हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दी फ्यूरियस मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो डर कर जंगल में भाग रही होती है, लेकिन उसके पैरों में चोट लग जाती है जिससे उसका पीछा कर रहा एक अजीब सा फेस मास्क पहना हुआ आदमी उसके पास पहुँच जाता है और अपने पास मौजूद हथियार से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस फेस मास्क वाले आदमी पर दूसरा किलर अटैक कर देता है और उसे मार कर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम केला और उसकी दोस्त मैडी को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि केला किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी दोस्त मैडी भी उसके साथ चले। लेकिन मैडी उसे समझाती है कि तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा क्योंकि मैं हमेशा एक बच्चे की तरह तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। ये सुनकर केला समझ जाती है कि मैडी उसे एक दोस्त से ज्यादा बाहर समझती है, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती हैं। तभी केला को मैडी की चीख सुनाई देती है जो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। उसी दौरान कोई केला पर भी अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि केला की आंखों में किसी तरह की सर्जरी की जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वहाँ पर बहुत तेज अलार्म बजने लगता है। इस दौरान हम देख सकते थे कि वो एक बॉक्स के अंदर बंद जंगल के बीचों बीच कैद है। हालांकि वो किसी तरह से बॉक्स से तो बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड मैडी को आसपास ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर एलिस और शीना नाम की दो और लड़कियाँ आ जाती हैं जो केला को चुप रहने के लिए कहती हैं। और क्योंकि केला किसी तरह की पिल्स लेती थी, इसलिए वो चेक करने के लिए एलिस और शीना के साथ वापस से उसी बॉक्स के पास पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर उसे अपनी दवाई नहीं मिलती। फिर अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई हथियार लेकर आगे बढ़ रहा है, और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एलिस दिखाई देती है जो बताती है कि तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए शीना तुम्हें छोड़कर चली गई। फिर वो दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें एक बीज दिखाई देता है, और ये वही बीज था जिसकी झलक केला को दिखाई दी थी। हालांकि वो दोनों एक बॉक्स के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बीज को उन लोग के वहां होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एलिस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो और केला वहां से निकल पाते केला फिर से बेहोश हो जाती है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी एलिस उसे वहीं पर छोड़कर वहां से भागने लगती है, जिससे बीस्ट उसे देख लेता है और उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी पेड़ पर जाकर लगती है जिससे एलिस कुल्हाड़ी को निकालकर उस पर पलटवार करती है, पर वो बीस्ट उसके हाथों से वो कुल्हाड़ी लेकर उसके चेहरे को बुरी तरह से काटकर अलग कर देता है। फिर जब केला की आंख खुलती है तो वो भागते हुए एलिस के पास पहुंचती है और उसकी ऐसी कंडीशन देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन जब वहां से निकलने के लिए वो बॉर्डर तक पहुंचती है तो बहुत ही तेज अलार्म बजने लगता है, जिससे वो वहां से नहीं निकल पाती। तभी वहां पर उसे सैली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो जोर जोर से चिल्लाती हुई उसकी तरफ भाग रही होती है, क्योंकि उसका पीछा वही कुल्हाड़ी वाला बीस्ट कर रहा था जो उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और उस लड़की को मारने ही वाला था। तभी वहां पर दूसरा बीस्ट आ जाता है जिससे वो दोनों ही बीस्ट आपस में लड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर केला सैली को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी वाले बीस्ट को दूसरा बीस्ट हरा देता है। इधर केला सैली को एक टूटे हुए पेड़ के बीच में छुपा देती है और खुद हेल्प लेने के लिए वहां से निकल जाती है। तभी वो बीस्ट उन लोगों को ढूंढता हुआ सैली तक पहुंच जाता है और फिर उसे घसीटते हुए पेड़ के पास ले जाकर उसके दोनों हाथों को बुरी तरह से तोड़कर अलग कर देता है, और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसके बाद हमें फिर से केला को दिखाया जाता है जिसके सामने अचानक से एक पिग मार्क्स वाला बीस्ट आ जाता है। हालांकि वो उसका सामना करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो बीस्ट केला पर काफी भारी पड़ता है। तभी देखते ही देखते उस बीस्ट का सर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब केला सैली के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि सैली बुरी तरह से मारी जा चुकी है, और कहीं ना कहीं केला इस बात से काफी दुखी थी। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो उसे कुछ कैबिन दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो एक कैबिन में पहुंचती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने पास मौजूद हथियार से उस पर अटैक कर देती है, और देखने पर उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसी की तरह है जो वहां पर फंसी हुई थी। लेकिन केला कुछ कर पाती उससे पहले ही वो लड़की वहीं पर मर जाती है। ये सारी चीज वहां मौजूद शीना और रोज देख लेते हैं। तभी केला फिर से बेहोश हो जाती है, जिससे शीना रोज को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर केला को झलक दिखाई देती है जिसमें कोई उसकी दोस्त मैडी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है जो कि माइन के पास है।
फिर जब केला को होश आता है तो रोज उससे काफी डरी हुई थी और केला को बताती है कि शीना मेरी दोस्त थी लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई, क्या तुम मुझे भी उस लड़की की तरह मार दोगी? जिस पर केला उसे समझाती है, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ ही केला रोज से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ऑपरेशन थिएटर के बारे में याद है जहाँ पर हमारी आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी? तो रोज कहती है कि मुझे अभी तक लग रहा था कि वो सिर्फ मेरा एक सपना था। ये सुनकर केला एक फॉग की मदद से मरी हुई लड़की की आंख निकालती है तो उसे पता चलता है कि ऑपरेशन करके उनकी आंख में एक ऐसा डिवाइस लगा दिया गया है जिससे उन्हें यहाँ पर कैद करने वाला इंसान उन्हें देख और सुन सकता है। इस बात से वो काफी घबरा जाती है और रोज को भी इस बारे में बताने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर शीना वापस आ जाती है तो केला उसे भी आंख में लगे हुए डिवाइस के बारे में बताती है। तभी उन्हें कैबिन के आसपास बीस्ट के होने का एहसास होता है, इसलिए वो तीनों छुप जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बीस्ट दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और रोज का चेहरा देखने की कोशिश करता है। तभी वो तीनों मिलकर उसे कैबिन से बाहर निकाल देते हैं जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इस दौरान वो सभी हैरान थे कि वो बीस्ट रोज को मारने के बजाय उसका चेहरा देखने की कोशिश क्यों कर रहा था। ये जानकर केला बताती है कि जब सैली की मौत हुई तो मुझ पर अटैक कर रहा पिग मास्क वाला बीस्ट पूरी तरह से मारा गया था, साथ ही एक बीस्ट मुझे बचाने की कोशिश भी कर रहा था। इन सब चीजों से पता चलता है कि हम लोगों के क्यूटी एंड बीस्ट के जोड़े बनाए गए हैं जिससे हर एक लड़की के पास उसका अपना एक बीस्ट है जो उसकी सुरक्षा करके उसी लड़की को मारने की कोशिश करता है और अगर हम मारे गए तो वो भी मारे जाएंगे। ये सुनकर शीना कहती है कि अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बीस्ट भी मारे जाएंगे जिससे मैं बच सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि शीना उन्हें कुछ नुकसान पहुँचा पाती, केला रोज को लेकर वहाँ से भाग निकलती है और दूसरे कैबिन में जाकर छुप जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि रोज अभी भी केला से डर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शीना की तरह वो भी उसे मारने की कोशिश करेगी। फिर केला रोज को समझाती है, मुझे अपनी दोस्त मैडी को ढूंढना है जिसके लिए हमें एक साथ आगे बढ़कर नक्शे तक पहुंचना होगा, हमें माइन तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। फिर वो दोनों चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन रोज के पैर फंस जाते हैं, इससे वो बाहर निकलने की कोशिश ही कर रही होती है तभी एक बीस्ट उसकी तरफ बढ़कर उसे खींचने लगता है। हालांकि इस दौरान केला रोज से बीस्ट को अपना चेहरा दिखाने के लिए मना करती है और फिर उसे छोड़ देती है। जब वो बीस्ट रोज का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा होता है वो उस पर अटैक करके उसका हाथ काट देती है। तभी वहाँ पर केला भी पहुँच जाती है जो उस पीस को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और अपने कटे हुए हाथों से ही उसका मुंह बंद करके उसे मारने की कोशिश करता है। पर रोज उस पीस पर अटैक करके केला को बचा लेती है जिस वजह से वो दोनों मिलकर उस पीस को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। ये देख कर वहाँ मौजूद दूसरा पीस डर कर भाग जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ शीना को दिखाया जाता है जिसके पास केला पहुँचती है क्योंकि शीना भी मैडी तक पहुँचने के लिए मैप देख रही थी। इस दौरान शीना कहती है कि अब सिर्फ चार बीस्ट बचे हैं जिनमें से एक मेरा रक्षक है और अगर मैं मैडी को मार दूंगी तो एक और बीस्ट कम हो जाएगा। इसी समय रोज पर एक बीस्ट हमला कर देता है और वो लोग को समझ पाते उससे पहले ही केला का बीस्ट आकर शीना पर हमला करके उसके सर के दो टुकड़े कर देता है जिससे रोज के पास मौजूद शीना का बीस्ट मारा जाता है और रोज की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि केला अपने बीस्ट पर भी अटैक करके उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। फिर वो दोनों वहां से भागते हुए मैडी को बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। इस दौरान मैडी को जिंदा देखकर केला बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते थे कि केला को मैडी के साथ देखकर रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो सब वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता जिसे देखकर वो सभी बौखला जाते हैं। तभी वहाँ पर मैडी का बीस्ट आ जाता है जिसका सामना करने से पहले ही केला फिर से बेहोश हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर रोज अपने पास मौजूद चाकू से मैडी का गला काटकर उसे मार देती है जिस वजह से उसका भी बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। लेकिन जब केला की आंख खुलती है तो वो अपनी दोस्त मैडी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोज पर भी चिल्लाने लगती है, साथ ही कहती है कि तुम हमें अकेला छोड़ दो, जिसे सुनकर रोज काफी दुखी होती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद केला वापस से बॉर्डर पर पहुंचती और अपनी आंख को निकाल कर फेंक देती है, साथ ही वहां पर लगे हुए अलार्म को भी निकाल लेती है और आंख निकालने की वजह से वो गेम से भी बाहर हो जाती है जिससे रोज को विनर दिखाया जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो इस गेम को देख रहा होता है। तभी उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है, हालांकि वो चेक करने की कोशिश तो करता है लेकिन केला वहां पहुंच कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। साथ ही उसे वर्चुअल ग्लासेस दिखाकर उससे पूछती है ये गेम तुम्हें किसने दिया। हालांकि पहले तो वो आदमी कुछ नहीं बताता लेकिन जब केला उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है तो वो उसे बताता है कि माइक नाम का आदमी इस क्लब को चलाता है
जिसके पास बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस दौरान हम देखते हैं कि मैडी अभी भी केला के मन की आवाज बनकर उसके साथ मौजूद है। देखते ही देखते केला उस आदमी की आंख निकाल देती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।